हमारे YouTube चैनल का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर बैंक में पासबुक अपडेट करने के लिए जो है एक पासबुक प्रिंटर मशीन लगा दिया गया है, तो बहुत सारे लोग वे नहीं जानते हैं कि पासबुक को प्रिंटर मशीन से कैसे अपडेट करें, कैसे प्रिंट करें, इसी के बारे में हम पूरा बताएंगे। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो है आपको बैंक में जाना है, और बैंक में जाने के बाद अगर आपका पासबुक किसी भी बैंक का हो, यूको हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, SBI हो, या फिर किसी भी बैंक का आपका पासबुक हो, तो उसमें आप यहां पर देख सकते हैं ये एक QR कोड होता है, अपने बैंक से लगवा लेना अपने पासबुक पे। उसके बाद जो है आप मशीन पर जाएंगे, किसी भी बैंक का पासबुक प्रिंटर मशीन जो होता है वो लगभग सबका सिस्टम सेम है। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि यूको बैंक के मशीन से कैसे आप अपने पासबुक को प्रिंट करेंगे खुद से, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूको बैंक का पासबुक जो है पासबुक प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप जो है जहां पे आखिरी प्रिंट हुआ है वो ओपन कर लेंगे, वो उस पेज को ओपन करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से जो आपको मशीन में जो है अपने पासबुक का आखिरी पेज जो है मशीन में डाल देना है यूको पासबुक प्रिंटर मशीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू यूको बैंक। अब जो है पासबुक बारकोड डाटा रीड किया जाएगा, आपका जो पासबुक के बारकोड से डाटा लिया जाएगा और उसको उपयोग किया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको फिर लैंग्वेज चूज़ करना होगा, इंग्लिश या हिंदी, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। हमने इंग्लिश चूज़ कर लिया है। उसके बाद अगर गेटिंग योर पासबुक डाटा, आपके जो है पासबुक के QR कोड से जो भी बारकोड है उसके द्वारा आपके पासबुक का डेटा लिया जा रहा है। उसके बाद जो है देख सकते हैं इस तरह से आपका फिर ये देख सकते हैं अकाउंट डिटेल आ जाएगा। आप अपने अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे और नाम जो है वो चेक कर लेंगे। नाम चेक करने के बाद ये जो है देख सकते हैं एक बार बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने अपडेट कर लिया अपने पासबुक को, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पासबुक है वो प्रिंट हो चुका है। इसके बाद जो है वो अगर आपके अपडेट पूरा नहीं हुए तो नेक्स्ट पेज पर पलट करके आप दोबारा डाल देंगे उसमें। उसके बाद देखेंगे इसको सही से लगा लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके पासबुक का जो है टाइम चलेगा यहाँ पे कुछ सेकंड। उसके अंदर अंदर जो है आपको अपना पासबुक का पेज पलट करके आपको दूसरा पेज पर डाल देना है। इस तरह से जो है आपका फिर से दोबारा वही पूरा प्रोसेस होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है आप दोबारा इसको निकालेंगे, उसके बाद इस पेज को पलटेंगे, देख सकते हैं हमने अपना पेज पलट दिया। उसके बाद जो है आप अपने पेज को पलट करके दूसरे पेज पर आकर के आप दोबारा डालेंगे। दोबारा डालने के बाद देख सकते हैं प्लीज़ वेट गेटिंग योर पासबुक डेटा, आपके पासबुक का डेटा जो है वो लिया जा रहा है। इसमें जो है पासबुक प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं पासबुक प्रिंटर मशीन जो है ये लगी हुई है। इसमें देख सकते हैं आपके लेफ्ट 17 या 15 सेकंड जो है आपको 20 सेकंड का टाइम मिलता है। इसके अंदर अंदर जो है आपको अपना पासबुक का पेज जो है वो पलट करके डालन इज कम्प्लीटेड, थैंक यू फॉर यूजिंग मशीन। आपका जो है ये पासबुक अपडेट हो चुका है। इस तरह से जो है आप अपने पासबुक प्रिंटर मशीन से जो है आप अपने पासबुक को खुद से किसी भी बैंक में अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपने पासबुक को खुद से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि पासबुक जो है वो खुद से बैंक में जाके कैसे प्रिंट किया जाता है। धन्यवाद।